देखो अभी ये क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, आंधी के कारण ना ट्री क्या हो गया, टूट गया है, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ठीक है। तो ये हम लोग ट्री एज्यूम कर लिए, ये ट्री है हमारा, ठीक है, ओरिजिनल कंडीशन। अब हम यहाँ से सोच लिए कि ये चीज़ हमारा यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये ट्री कैसे हो गया, ऐसे गिर गया, समझ में आ गया। तो यहाँ टी था, अब ये टी पोर्शन हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, क्लियर हो गया। एंड ये जो ट्री जो बेंड हुआ है, ये ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, समझ में आया। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है, ये हमारा यहाँ से 8 मीटर दिया हुआ है, समझ में आ गया। फुट ऑफ द ट्री मतलब नीचे, सबसे नीचे वाला पोर्शन ट्री का, ठीक है। और यहाँ से जहाँ टॉप ऑफ द ट्री यहाँ बेंड होकर यहाँ आएगा ना टॉप, तो ये 8 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो ये ट्री का ये पोर्शन हमारा मान लो ये H1 मान लो, और ये पोर्शन को मान लेते हम लोग H2, समझ में आ रहा। तो अगर ये H1 और H2 दोनों फाइंड आउट कर लें और फिर उसको जोड़ देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले H1 को फाइंड आउट करेंगे हम लोग, जैसे ये 30 दिया हुआ है, B और P मतलब 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा, H1/8 हो जाएगा, होता ना 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, तो H1/8 हो गया, समझ में आ गया। और ये हो गया हमारा 1/√3 H1/8, तो हमारा H1 का कितना वैल्यू आ गया, 8/√3, समझ में आ गया। अब हमको H और B में रिलेशन चाहिए, तो कौन सा लगाएंगे हम लोग, कॉस कॉस 30 डिग्री इक्वल टू है ना 8/H2 है ना, बेस बाय हाइपोटेनियस, समझ में आ रहा। तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है हमारा, √3/2, तो 8/H2, समझ में आ गया। तो हमारा H2 आ गया हम लोग का, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ जाएगा H2 बराबर 16/√3, समझ में आ गया। तो H1 फाइंड कर लिए और H2 फाइंड कर लिए, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री जो हमारा होगा, हाइट जो निकालना है हम लोग को, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा ये H1+H2 मतलब ये हो गया 8/√3 + 16/√3, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये √3 हो गया और 24 ये हो गया, समझ में आ गया। तो रेशनलाइज अगर कर दें √3/√3, ठीक है, तो फाइनली जो हमारा हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा हमारा, अगर रेशनलाइज कर दिए तो हमारा ऊपर जो 24√3 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, तो 3 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री हो गया 8/√3 मीटर, समझ में आ गई है, ठीक है।